सनी ने कब से फंसाया तुमको? आज ना हमारे 6 months एनिवर्सरी है। 6 महीने तो उसकी एक पैंट नहीं चलती, तुम कैसे चल गई? अब बेटा तुम क्या क्या बना लेती हो? मैं प्लेन मैगी, वेज मैगी, अंडा मैगी और सूपी मैगी। सूखी मैगी नहीं बना पाती? नहीं, वो मुझे पसंद नहीं है ना। और तुम क्या ये सब पूछ रही हो? सनी की शादी करोगी क्या इससे? क्या पता हो जाए। जेब में पैसा ना कौड़ी, माँ बेटे की बारात लेके दौड़ी। बेटा यहाँ रख दो। अच्छा बेटा, ये सब ना सनी ने बनाया। झूठ। ब्रेड पकोड़ा तो गुप्ता के यहाँ से आया है, और बाकी चाय तो मम्मी बनाई दी थी, मैं तो बस छान के लाया हूँ। लो पियो तुम लोग। अरे ये चाय पकोड़ा छोड़, इसे क्यों लाया घर? इसके मम्मी पापा हरिद्वार गए हैं ना, तो घर में अकेली थी और रात में इसे भूत भी दिखते हैं, तो मैं इसे 1 हफ्ते के लिए अपने घर ले आया। बेटा तुम्हें भूत दिखते? शादी से पहले मुझे भी दिखते थे, फिर मेरी शादी इस राक्षस से हो गई, तब से मुझे भूत दिखना बंद हो गए। चुप करो तुम। एक ग्राम विकास अधिकारी का बेटा घर में कुंवारी लड़की लेकर आए, ये शोभा नहीं देता। तो क्या वो शादीशुदा लड़की लेकर आएगा? कुछ भी मत बोलो। अरे मैं दफ्तर चला जाऊंगा, तुम सब्जी लेने चली जाओगी, और हमारे पीछे इन दोनों ने कुछ ऊंच नीच कर दी तो कौन जिम्मेदार होगा? अरे नहीं नहीं अंकल, हमारे बीच में ना हैंकी पैंकी नहीं हो सकता, हमने ना कुछ बाउंड्रीज डिसाइड करके रखी हुई। बेटी जब बारिश होती है ना तो अच्छी अच्छी दीवार ढह जाती है, और ये नालायक भी हमारी मर्जी से पैदा नहीं हुआ था, वो रात भी बरसात की रात थी। मैंने डिसाइड कर लिया है, प्रीति इसी घर में रहेगी, किसी को दिक्कत है तो कहीं और चला जा रहे। नालायक बाप को घर से बाहर निकालेगा। अरे वो ठीक ही तो कह रहा है, तुम अपनी इलेक्शन में ड्यूटी क्यों नहीं लगवा लेते? थोड़े दिन बाहर रहोगे तो हमें भी शांति मिलेगी। इलेक्शन तुम्हारी किटी पार्टी की तरह नहीं है जो जब चाहो तब हो जाए, 2022 में होगा फरवरी में, और योगी जी आएंगे दोबारा, समझी? इतना ही योगी जी और मोदी जी करते हो तो उन्हीं की तरह संन्यास क्यों नहीं ले लेते? हमें क्यों यहाँ पर बिठा लिया? ए लड़की, तुम दूसरे के घर में आके रह रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? पहले पहले तो बहुत शर्म आई थी, लेकिन उसके बाद ना सनी ने मुझे कंफर्टेबल कर दिया। उसने कहा कि इस घर में आना है तो अपने कान बंद करके आना, तभी इस फैमिली को झेल सकते हो। सनी, ऐसे कौन बात करता है अपने माँ बाप के बारे में? बोलना है तो बाप के बारे में बोल। माँ तो तेरे साथ है ना बेटा। अच्छा, माँ बेटे मिलकर इस ग्राम विकास अधिकारी को किनारे लगाना चाहते हो? तुम्हारी चाल सब समझता हूँ मैं, और ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। ये लड़की इसी घर में रहेगी? नहीं रहेगी। रहेगी, और वो भी मेरे कमरे में। ज्यादा बोलेगा तो इस लड़की के साथ साथ तुझे भी उठा के बाहर फेंक दूंगा। इतनी पावर नहीं है अभी तुम्हारी इस घर में। एक ग्राम विकास अधिकारी की पावर नहीं जानती तुम? तुम एक बैंक मैनेजर की बेटी की पावर नहीं जानते? हाथ लगा के तो दिखाओ। सनी, की हमेशा का है या फिर आज कुछ स्पेशल? अरे डेली का है, मैं देखता हूँ। तुम लोग का आज का हो गया है कि अभी और करना है, बताओ। अगर ये लड़की इस घर में रहेगी तो सनी के साथ नहीं सोएगी। अरे घर में 2 ही तो कमरे हैं, एक में तुम और मम्मी सोते हो, एक में मैं सोता हूँ, तो फिर वो बेचारी कहाँ सोएगी? तो बदल लेते हैं, ये मेरे साथ सो जाएगी, तू अपनी माँ के साथ सो जा। क्या? मेरा मतलब ये है कि ये मेरे साथ सो जाएगा और ये लड़की तेरी माँ के साथ सो जाएगी। अगर मंजूर है तो बोलो, वरना जाओ तुम और भूत के साथ सो। तो बहुत तेज तेज खर्राटे लेते हो, मैं कैसे सोऊंगा तुम्हारे साथ? देखा सनी, कैसे मैं इस जनरेटर के साथ 25 साल से सो रही थी। अच्छा, इस जनरेटर की वजह से ही इस घर का बिजली पानी चलता है, समझी तुम? तो जनरेटर की जगह घर के बाहर होती, जाके बाहर क्यों नहीं सोते? फिर से अपने बाप को बाहर निकालने की बात करता है, है? ए लड़की, तुम भी अपने बाप से ऐसे बात करती हो? नहीं अंकल, मैं तो ऐसे बात नहीं करती, लेकिन मेरे पापा भी ऐसे बात नहीं करते हैं। सुना? चुप रहो, क्या करता है तुम्हारा बाप? देसी दारू का ठेका है। लो, देसी शराब का ठेका है, नशे में रहता होगा तो लड़की पे ध्यान कहाँ से रहेगा? तुम तो होश में रहते हो ना, तुम बड़ा ध्यान रख लेते हो हमारा। आंखें क्या दिखा रही हो, घर की एक एक चीज की खबर रखता हूँ मैं। ए लड़की, बत्तीसी क्या दिखा रही है, इसकी मजाल नहीं है कि मेरी इजाजत के बिना इधर उधर चला जाए, समझी तुम? अच्छा अंकल जी, आपको पता है कि ये प्रोजेक्ट के नाम पर रात रात भर कहाँ गायब रहता है? क्या क्या बोल रही है, चुप रहो। अरे वो राहुल के यहीं तो जाता था, तुम छोड़ने गए तो कई बार मुझे।
देखो यही ध्यान रखती हो तुम। अरे मुझे क्यों बोल रहे हो, अभी तक तो बड़े भीष्म पितामह बन रहे थे, अब बेटा दुर्योधन निकला तो आ गए मुझ पर चिल्लाने के लिए। अरे तो मैं दफ्तर जाता हूँ, 55,000 रुपए कमाता हूँ, मेरी वजह से तुम दोनों की इज्जत है समाज में, एक लड़का पैदा किया वो भी नालायक बना दिया, इसे संभाल नहीं सकती हो तुम। मैं भी बड़े बड़े यहाँ पर सोई नहीं रहती, मुझ पर भी 44 काम होते हैं, एक नौकर लाने को कहा था उसके ऊपर भी तुमने छाती पकड़ ली। अरे नौकर नौकर दिन भर करती रहती हो, ऐसा करो इस लड़की से इसकी शादी कर दो, इसको बना दो नौकरानी और जो मर्जी काम करवाती रहना फिर। अरे मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से वादा किया था जब भी उसे शादी करके लाऊंगा तो महारानी बना के रखूंगा। महारानी तो तब बनाएगा ना जब खुद राजा बनेगा। राजा का बेटा राजा होता है, किसी अरे गहरे का बेटा ऐसा ही होता है। मैं कोई ऐरा गहरा नहीं हूँ, एक ग्राम विकास अधिकारी हूँ, अगले साल जिला विकास अधिकारी बन जाऊंगा, समझी? हाँ तो अधिकारी बन के तुम कौन सा मेडल ले आओगे ओलंपिक्स का? ओलंपिक में मेडल लाने की उम्र मेरी नहीं है, इसकी है, और ये दिन भर इस लड़की के पीछे दौड़ता रहता है, इतना कहीं ट्रैक पे दौड़ा होता तो मेडल लाता, नाम रोशन करता अपने बाप का। अरे मेडल पेड़ पे नहीं उगते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए अच्छी डाइट चाहिए होती है। तुम जो मुझे पैकेट वाला टोन दूध पिलाते हो इससे कोई डाइट होती है? अरे कम से कम 4-5 भैंसे घर में बांधो, कम से कम दूध दही मलाई मक्खन चाटू में। हाँ अब तू मेरे आसपास भैंसे बंधवा दे ताकि मैं पूरा दिन दूध निकालूं और गोबर पाथूं, यही तो ये आदमी चाहता है। अरे तुम दोनों से तो बहस करना ही बेकार है, ऐसा है जैसे मान लो भैंस के आगे बीन बजाना। बैल को बीन बजानी आती भी नहीं है। मुझे बैल कह रही हो? तुम्हारे बाप ने शादी के वक्त कहा था कि मेरी बेटी गाय है, आज पता लग रहा है वो तो 12 सिंगा है। तुम ना मुझे गुस्सा मत दिलवाओ वरना इन्हीं सिंगों से तुम्हारा पेट छीन दूंगी। और हाँ अब शादी होगी तो इसी लड़की से होगी। शराब बेचने वाले की बेटी से शादी बिल्कुल नहीं होगी। उसका बाप चाहे दारू बेचता हो चाहे गांजा, शादी तो मैं उसी के साथ करूंगा। चलो प्रीति शादी करते हैं। चल हट, तुझसे तो मैं कभी शादी ना करूं, और वैसे भी इस पागल परिवार में एक मिनट और देने से अच्छा है कि मैं घर जाकर भूतों के साथ सो जाऊं। प्रीति बेटी बकचोद फैमिली कहीं की। प्रीति प्रीति तुम दोनों की वजह से मेरी 40वीं गर्लफ्रेंड भागी है, कितनी मुश्किल से बनती है गर्लफ्रेंड। क्यों चट लेना थी ना तुमको? भाई पिछली बार मैं फंसा के चक्कर में ऐसा चाटा इन लोगों ने, क्या बताऊं यार। जो भी है लेकिन फैमिली है बड़ी मजेदार। हाँ बात तो सही है, बकचोद फैमिली की वीडियोस देखने में मजा तो बहुत आती है। तो अगर आपको भी मजा आती है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम हैंडल दिए हैं, वहां जाके हम सबको फॉलो जरूर करना, क्योंकि वहां पर हम अपलोड करने वाले हैं शूट के ढेर सारे BTS। ओके गाइस बाय बाय, टाटा बाय।